देखिए, वेलकम टू जीबी मैथमेटिक्स क्लास फ्रेंड। ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट कितना 16, ठीक है। अभी तक जो न्यू स्टूडेंट है, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता ही है कि इस चैनल पे जरा कैसे अदर क्लास में पढ़ाते हैं ना दोस्त, उसी का वीडियो फॉर्मेट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग टाइप 15 में देख चुके हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं एक बार रिवाइजिंग हो जाएगा हम लोग का, ठीक है फ्रेंड। जैसे देखिए, हम डिटेल कैसे किए थे इसको, देखिए इसको और इसको लिए थे, ठीक है ना। अगर हम साइन स्क्वायर 1 डिग्री, ठीक है ना, साइन स्क्वायर कितना 89 डिग्री लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 a साइन a और कितना मिला के 90 डिग्री होगा, ठीक 90 होगा। a प्लस b अगर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर कितना होता है 1। उसी तरह कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1 सारा होता जाएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट हम कहा बताए थे, फिर अगर इसको लेंगे और इधर यहाँ कितना आ जाएगा, इसका पहला कितना आ जाएगा साइन 85 डिग्री, फिर 85 की लेंगे ये आ जाएगा 1, फिर इसको लेंगे इसको 1, फिर इसको आगे ले इसको 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको शॉर्ट हम लोग कैसे किए थे, यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाले थे, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना, 79 माइनस 1 बटा डिफरेंट कितना जा रहा है 4 के प्लस कितना 1, ठीक है। 88 कितना आ जाएगा 22 22 1 23, ठीक है ना, 23। अब जब नंबर ऑफ टर्म आ गया उसको आधा कर देंगे, ठीक है ना, तो 23 का आधा कितना 11.5। ये आपका कहा है दोस्त आंसर, इसका 11.5 का है आंसर। अब देखिए दोस्त घुमा इतना घुमाने वाला, देखिए अब जब इतना के आगे जो भी जोड़ेगा ना, मान लीजिए यहां पर जोड़ देता कितना साइन स्क्वायर 90, तो जब साइन स्क्वायर 90 इसमें और आगे कर देता ना, तो क्या करते हैं हम 11 में साइन स्क्वायर ओवर कितना होता है 1, 12 कितना आ जाएगा कुछ जितना हल करके फिर मान लिया आपको जोड़ देता, ठीक है ना। तो जितना हम आएगा इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना, जितना आएगा ना जी इतना हमको आंसर आया, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक हमको आंसर कितना आया 11.5। जब अजय आगे आएगा ना, जो जो भी जोड़ेंगे ना हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, समझ गए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे फ्रेंड। देखिए दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन बहुत लेंदी है, ठीक है ना। देखिए ये सब सीडीएस में पूछता है, कैट लेवल की सब क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड। देखिए थोड़ा थोड़ा लंबा भी है, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट का जिसको कोऑर्डिनेट का पूरा जानकारी है ना, एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं ना, इतना के हल करते हैं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप हल करते चल जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए देखिए कॉस कितना 2000 कितना है फ्रेंड 1, यहां से कितना पाई, ठीक है। अब देखिए कॉस कितना, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब गुना करेंगे तो 2001 पाई, ठीक है ना, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2001, ठीक है ना, पाई प्लस कितना 0 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये हम आपको बताए थे यहां पर का होता है पाई, माने 180 का रहता है इवन रहता है, ठीक है ना, यहाँ का रहता है पाई 100, माने पाई का मान कितना 180 180 ऑड है, ठीक है ना, ये बताए थे आपको। अब देखिए देखिए पाई पाई कितना से गुना है ऑड संख्या से, पाई के साथ कितना से गुना ऑड संख्या से, ठीक है ना। अब कॉस में कुछ जुट रहा है ऑड संख्या से, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑड अब कुछ जुट रहा है तो कितना में आएगा थर्ड में आएगा ना, थर्ड में, तो थर्ड में कॉस का होता है माइनस, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस, देखिए कॉस माइनस 0 डिग्री, ठीक है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए इसका मान 1 1 आ गया। अब देखिए कॉट कितना 2001, आई कितना है पाई बाई 2 लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो कॉट कितना आ जाएगा यहां पे, यहां देखिए यहां से कितना 1 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कॉट इसको क्या हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, देखिए 2000, ठीक है ना, 2000 कितना पाई बाई 2, फिर कितना पाई बाई 2, ऐसा क्यों, देखिए अगर दो एलसीएम लेगा, दो एलसीएम लीजिएगा आप तो 2000 पाई और 1 पाई कितना 2001 पाई हो जाएगा ना, देखिए जो दो आप लीजिएगा तो 2001 पाई हो जाएगा ना, इसीलिए हम कितना 2001 के ही भाग में तोड़ दिए हैं, तोड़ सकते हैं। अब देखिए इससे इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है खत्म हो जाएगा। अब देखिए कितना 1000 बचेगा, यानी पाई गुना कितना 1000 प्लस कितना या 180 बटा 2 से भाग दीजिए कितना 90, ठीक है ना 90। अब देखिए पाई गुना कितना है सम संख्या, तो कहाँ आएगा इसमें पाई गुना क्या है सम संख्या, ठीक है ना। अब इसमें कुछ 90 जुट रहा है, ठीक है ना, जब कुछ जुट रहा है तो कितना फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट में पूरा ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है
प्लस होता है, तो कॉट प्लस में होगा। अब कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा, यहां कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड, कितना जीरो, ठीक है ना। कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है जीरो, ठीक है। अब देखिए अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा तो यहां देखिए, यहां अगर याद ना रहा है ना तो टेन के बराबर कितना होता है कॉट, ठीक है ना, टेन ई कॉट कितना होता है टेन, ठीक है ना। अब देखिए टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 90 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान कितना होता है फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड, कितना, यहां छोड़िए, देखिए कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है जीरो, ठीक है ना फ्रेंड, कॉट 90 डिग्री का मान जीरो होता है। अब देखिए अब आते हैं क्या, हम इसको मान, देखिए इसको मान कितना आया, यहां से यहां तक कितना आया माइनस वन, ये कितना आ गया जीरो। अब हमको निकालना है का इसका, ठीक है ना। अब देखिए हम निकालते हैं कितना सेक का, ठीक है फ्रेंड। जब सेक के हम निकालेंगे फ्रेंड यहां पे किसका, जब सेक के देखिए सेक कितना के निकालेंगे, देखिए 2000 कितना 2001 पाई बाय थ्री, ठीक है ना। तो यहां से गुना करेंगे जब कितना आ जाएगा 2001 पाई बाय थ्री, ठीक है ना, 2001 पाई बाय थ्री। अब देखिए अब देखिए इसको काटिएगा तो क्या होगा फ्रेंड, कट जाएगा, कितना बार में कटेगा या देखिए काटेगा, देखिए कितना बार कटेगा फ्रेंड, छ छ छ कितना सात, इतना मरते कट जाएगा। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा पाई गुना कितना छ छ छ ना डिग्री, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए तक या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, पाई गुना कितना छ छ सेवन प्लस जीरो डिग्री, ठीक है ना, इतना ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए देखिए पाई के साथ क्या है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कहा था यहां कुछ जोड़ रहा है, इसमें आ जाएगा सेक थर्ड में, थर्ड में क्या होता है सेक नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा सेक जीरो डिग्री, लेकिन क्या नेगेटिव, और सेक जीरो डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड वन, ठीक है ना। तो यहां से कितना माइनस वन, यानी यहां देखिए यहां भी कितना आ गया माइनस, यहां माइनस वन, ऊपर भी माइनस कितना आ गया वन। अब देखिए आगे हल्का, अब कितना बच गया यहां, अब कितना बच गया ए, ठीक है ना। अब देखिए कितना बचा टाइम, कितना बचा 2001 बाई कितना फोर, ठीक है ना। अब देखिए जब टाइम 2000 कितना एक बाई कितना फोर, ठीक है ना, इतना बचा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड, कितना टाइम कितना 2000 पाई, ठीक है ना, इसको ऐसे प्लस कितना टेन फितना, क्यों जब फोर एलसीएम लेंगे तो 2000 इतना बार फोर आ जाएगा ना, ठीक है, जैसे हम इसको किए थे, इसको ये कॉट वाला उसी तरह इसको भी किया है। अब देखिए तो टेन इसे क्या हो जाएगा 500 मिनट तक कट जाएगा, यहां से कितना पाई गुना कितना 500 आ जाएगा, ठीक है, यहां से 45 आ जाएगा, ठीक है ना 45। अब देखिए ये देखिए टॉन पाई गुना को चाहिए सम संख्या, ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है यहां इसमें कुछ जुट रहा है, तो क्या इसमें फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो टेन कितना 45 डिग्री, ठीक है, तब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मान कितना होगा प्लस वन, ठीक है ना, तो इसका मान कितना आ गया फ्रेंड प्लस वन, ठीक है ना। अब हमको रह गया इसका, अब देखिए कितना कौशक कितना के निकालेंगे फ्रेंड, कौशक 2000 एक का, ठीक है, बाय सिक्स। अब देखिए इसको क्या कीजिए फ्रेंड आप, अगर इसको कितना 2000 एक बाय सिक्स ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए दो सिक्स से भागा देखिए, आप देखिए कितना 2000 कितना एक में, तो कितना बरत लगेगा 6 3 18 तीन बरते, ठीक है ना, 18 लगेगा ना ये, ठीक है, जब ये 18 लगेगा तीन बरते फिर दो फिर तीन, ठीक है ना, फिर कितना, फिर कितना फ्रेंड ये कितना आया यहां देखिए दो कितना 21 फिर कितना तीन फिर कितना बचा 18 शेष कितना बचा तीन, ठीक है ना, शेष कितना बचा फ्रेंड तीन। अब देखिए जब इसका शेष कितना बचा फ्रेंड तीन, ठीक है ना, शेष कितना बचा तीन, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं यहां देखिए, तो इसको एक तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, देख लीजिए, देखिए फ्रेंड 2000 के ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिए कौशिक इसको आप अगर आप लिख दें 1900 कितना 98, ठीक है, प्लस कितना यहां से प्लस अगर हम कितना लिख दें तीन θ,
थ्री पाई बाई सिक्स, यहां पर भी कितना है पाई बट सिक्स, ठीक है ना, कितना 1998 पाई बट है सिक्स। देखिए यहां पे है, खुद नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, फिर से देखिए, यहां देखिए, देखिए फ्रेंड, क्या आप कौशेक इसको लिख सकते हैं, आप ये पूरा का 1900 कितना 98 पाई बटा कितना सिक्स प्लस थ्री पाई बाई सिक्स। ऐसा क्यों, ऐसा देखिए, ऐसा इसलिए कि अगर आप थ्री से, देखिए सिक्स से भाग दीजिए कितना बचा था, कितना शेष कितना आया था तीन, तो हम के इसको देखिए तीन घटा दिए, 2001 में से तीन घटाए तो 1998 आया, इसमें फिर कर देंगे तो हमको 2001 ही आ जाएगा। अब देखिए इसे खत्म कीजिएगा कितना मतलब कटेगा, ये देखिए पाई कितना बार कटेगा तीन तीन तीन, ठीक है ना, प्लस इस सही वन बाई टू, तो यहां से कितना आएगा 90, ठीक है। अब देखिए यहां कितना है सम विषम, ये विषम यहां आएगा ना फ्रेंड, देखिए ये इतना हमको इस सही छह से काट दिया, ठीक है, देखिए छह से 1998 काटे तीन 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 आया हमको, ठीक है ना, तीन तीन आया। अब देखिए जब यहां पे तीन तीन आपको आया तब देखिए ये तीन 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 क्या है ऑड है, तो ऑड है, ऑड इसमें इसमें कुछ जुट रहा है, इसमें आएगा क्या थर्ड में, थर्ड में आएगा ना, जब थर्ड में कौशिक क्या होता है नेगेटिव, तो कौशिक 90, ठीक है ना, कौशिक 90 यहां पर देखिए, सॉरी फ्रेंड, कौशिक क्या 90, आई माइनस में आएगा, ठीक है, तो कौशिक 90 का मान कितना होता है जीरो, जीरो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान कितना आ गया फ्रेंड, इसका मान कितना आ गया देखिए, कौशिक कौशिक 90 का मान कितना होता है फ्रेंड वन, कौशिक 90 का मान कितना होता है फ्रेंड वन, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, सॉरी यहाँ वन माइनस वन, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस वन, देखिए माइनस वन ई का है फ्रेंड प्लस में, ई का है माइनस में, ठीक है, तो माइनस वन कितना आया इसका आंसर माइनस टू, ठीक है दोस्त, इसका आंसर कितना आया माइनस टू, ठीक है, समझ गए फ्रेंड डिटेल, इसको यही एक डिटेल ही सिर्फ दी है, ठीक है फ्रेंड, इसको यही वो करने का तरीका है, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड, तो थोड़ा ठीक सही से देखिएगा, ठीक है, दिख लगा, ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए कर रहा है दोस्त, यह कर रहा है क्या, देखिए किसी ए बी सी में कौन ए बराबर 90 डिग्री है, तो टेन ए टेन बी का मान कितना होगा, ठीक है ना, अब देखिए यहां से क्या कर रहा है, मान लीजिए ए बराबर 90 डिग्री ई ए है, ठीक है, तो बी और ई सी हो जाएगा, ठीक है, तो ई कितना हो जाएगा 45 और ई क्या हो जाएगा 45, और ए बी और सी बराबर कितना हमको वाट चाहिए, ठीक है, बी और सी हम पढ़े, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो टेन ए टेन बी का मान कितना होता है 1 होता है, अगर हम यहाँ पर इसको ए देखिए बी और सी का मान अगर 90 डिग्री हो रहा है 45 और 45 90, तो टेन बी और टेन सी का मान कितना होगा 1 डिग्री, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब यहां देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका और फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए फ्रेंड देखिए इसको क्या, देखिए आप ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है प्लस ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी होता है ना फ्रेंड, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है ना, इसी को क्या करते हैं ना कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना, इंटू फिर क्या कॉसेक थीटा माइनस क्या कॉट थीटा, ठीक है, बराबर कितना 1, ठीक है ना, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए हैं। अब देखिए अगर फ्रेंड ये दोनों आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है ना, क्या एक दूसरे का उल्टा होता है, अगर ई एम है, ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एम, ठीक है, अगर ये 5 है तो कितना हो जाएगा 1 बाई 5, अगर ई एम दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई एम, ठीक है, देखिए क्यों इसे एम से एम खत्म हो गया कितना गया 1 आ गया, तो ये समझ गए, अगर देखिए मान लीजिए हमको इतना बड़ा और 5 दे दिया, ठीक है, तो ये प्रूफ भी कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्त, देखिए देखिए ठीक है ना, ये समझ गए, देखिए ये अगर हम 5 मानते हैं तो ये 1 बाई 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसके एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है, तो वो यहां देखिए, ठीक है ना, अगर यहां से हम रख सकते हैं कि आप कौशिक स्क्वायर थीटा रखे, ठीक है, ये हम पकड़ के रखे तो ये माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये एक भी फॉर्मूला बना, ठीक है, अगर एक यहां से क्या बन सकता है, यहां देखिए अगर यहां पे हम कौशिक कौशिक स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आएगा 1 माइनस में आएगा, ठीक है, कितना बच गया
ये माइनस में उधर का प्लस में जाएगा यानी कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है दोस्त, अब देखिए इस पे एग्जांपल कैसे, देखिए पूछ रहा ना कॉस कॉस का थीटा प्लस कॉट का थीटा बराबर 1 है, तो हम क्या बताए थे ये अपरूपी कितना हो जाएगा, कॉस कॉस का थीटा माइनस कॉट का थीटा बराबर का हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये दोनों का जोड़िएगा तो इसे क्या हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो यहां से क्या बच गया कॉस का स्क्वायर थीटा, आई देखिए 3 + 1/3। ठीक है, यहां से देखिए तो कितना हो गया कॉसेक 2 cos का थीटा, आइए जोड़िएगा तो कितना 10/3, यहां से कितना हो गया 5, तो ये कितना होता है। अब यहां से देखिए cos का थीटा इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, देखिए cosec थीटा है ना 2 cosec थीटा। ठीक है, तो 2 से 5 काट दिया तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, यहां से कितना है 5/3, तो यहां से अगर हम सीधा करके लिखेंगे, ये अगर सीधा लिखेंगे तो ये भी सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/5। ठीक है दोस्त, इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड 3/5। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसी तरह जैसे ये देखे ना, जैसे इसी तरह ए भी है, यहां देखिए अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए ए प्लस बी पर यहां से लिख सकते हैं ना sec + tan, इसको फिर लिख सकते हैं क्या sec - tan लिख सकते हैं बराबर कितना 1। ठीक है ना, बराबर 1 अगर n है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 1/n। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। फिर अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं sec² θ 1 + tan² θ। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब यहां से एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं ना, आप यहां से ला सकते हैं क्या sec² θ माइनस क्या 1 बराबर क्या tan² क्या θ। ये तो आपने बनाने का है फ्रेंड सर, ये खाली याद रहेगा आपको, ये याद रहेगा, ये तो अपने आप निकाल लीजिएगा, है ना, ये दोनों मेन याद रहना चाहिए। ठीक, ये तो ये सब तो अपने आप निकालने वाला फॉर्मूला है ना दोस्त, इस अपने आप जनरेट करने वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए दोस्त, अब पूछ रहा है ना आपसे, यहां देखिए पूछ रहा है क्या कॉट थीटा इतना पूछ रहा है। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है, अब देखिए यहां से अगर हम इसको ले कॉट थीटा, फिर यहां से अगर टैन ले, ठीक है यहां से ये 90 - θ है। ठीक है, तो चेंज किस में हो जाएगा कॉट में, अब देखिए कॉट थीटा हो जाएगा, अब माइनस होगा कि प्लस, तो 90 में से कुछ घट रहा है। ठीक है, 90 में से कुछ घट रहा है यानी फर्स्ट में ही रह जाएगा, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, उसी तरह यहां से क्या हो जाएगा इस सेक में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, अब फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक 2 को कॉसेक हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा बीच में माइनस है, क्या हो जाएगा कॉसेक, यहां से देखिए ये क्या आया फ्रेंड कॉट, यहां से क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहां से माइनस कॉमा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका बराबर कितना होता फ्रेंड 1। तो यहां से हमको कितना आ गया, यहां तक माइनस 1 आ गया। अब देखिए इसका मान कितना होता है, अगर ए प्लस बी अगर रहे 90 डिग्री तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, अब इसका मान भी कितना होगा 1, क्यों इससे इसका मान कितना 1, ए प्लस बी 90 डिग्री है, इसका मान भी कितना होगा 1, ए प्लस बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया माइनस 1, ठीक है प्लस इसका मान कितना आ गया 1, ठीक है प्लस इसका मान कितना √3, इसे क्या खत्म, इसका मान कितना आ गया √3, आपका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्त, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है दोस्त, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सर ठीक है ना फ्रेंड, लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और जहां गलती हो रहा है फ्रेंड प्लीज कमेंट करके बता दें कि भाई यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ सुधारने का जरूरत है। ठीक है, तो हम वहां पर कोशिश करेंगे सुधारे, ताकि अगला बार जो हम वीडियो बनाए ना दोस्त वो परफेक्ट बनाए, ताकि आप लोग जो फायदा मिल रहा है, जो प्रॉफिट पा रहे हैं मिल सके। ठीक है ना फ्रेंड, फिर इसी तरह प्यार दुलार बनाते रहिए। ठीक है फ्रेंड, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड बाय। ठीक है दोस्त।